तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो इन दिस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे फ्री में VPS ले सकते हो 16 GB RAM का, वो भी किसी भी पैनल सेटअप कर सकती है आप, ठीक है ना। तो चलो, वीडियो एकदम शॉर्ट होने वाली है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ देर नहीं करते। तो अपना अपना गूगल क्रोम ओपन करना है आप सभी लोग को, ठीक है ना, एंड एक जीमेल ओपन कीजिए, ठीक है ना, एंड मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो इफ़ एनी प्रॉब्लम हुआ गाइस, ठीक है ना। तो गूगल क्रोम ओपन करो, बहुत ही छोटा मेथोड, डायरेक्ट टाइप करो रन कोड .io, स्पेस देके .io टाइप करो, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उधर से भी कर लो, ठीक है ना। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएगा, किसी भी क्लिक मत कीजिए, यानी क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए। वीडियो को एंड तक देखना गाइस, स्किप मत करना, ठीक है ना, नहीं तो आप कुछ पार्ट मिस कर सकती हो। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कीजिए एंड अपना गूगल लॉग इन कीजिए, ठीक है ना। चलो, एंड इतना आ जाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा आप सब लोगों को, ठीक है ना गाइस। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक नीचे ब्लैंक मिलेगा, ठीक है ना। उस ब्लैंक पे एक बार आप क्लिक कीजिए, ठीक है गाइस। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इधर ऐसा मिल जाएगा, टाइनी 2 GB RAM का, 4 GB RAM, 2 कोर, 32 GB RAM एंड 8 GB RAM, 4 कोर, 40 GB डिस्क एंड 16 GB RAM, 8 कोर, 60 GB डिस्क। सो हमको तो लार्ज वाला ही चाहिए, वो भी फ्री में, चलो फ्री में ही मिलेगा। तो वो येलो लाइन पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना, एंड आपका वर्क स्पेस हो जाएगा क्रिएट। तो चलो, आपका वर्क स्पेस होगा क्रिएट, ठीक है ना गाइस। तो ये वर्क स्पेस क्रिएट होने को आपका लगेगा 30 मिनट, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो तब तक आप मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। एंड चलो इतना ही है, चलो थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने को गाइस, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो चलो गाइज, मेरा VPS हो चुका है ओपन। जैसे ही आपका ओपन होगा आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे एक टर्मिनल मिलेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इधर से, ठीक है ना। वीडियो को फुल वॉच करो, स्किप मत करो, ठीक है। एक बार मैं कर लेता हूँ क्लियर, एंड आपको टाइप करना है, अभी वीडियो को फुल वॉच करो, स्किप मत करना, ठीक है ना। सूडो SU टाइप कीजिए, आपका हो जाएगा रूट। इसमें अभी रूट हो गया तो आप इस पर पैनल सेपरेट कर सकते हो। तो आपको VPS का पासवर्ड वो कैसे चेंज करते हैं, तो पासवर्ड के लिए आपको टाइप करना होगा सूडो पासवर्ड, ये करके तो न्यू पासवर्ड बोलेगा, जो मैं डाल लेता हूँ इन लोग के सामने, ठीक है ना। जैसे ये देखा, मैंने डाल दिया न्यू पासवर्ड, हो गया है। एंड अभी आपको पैनल सेटअप तो आता ही होगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बट ठीक है ना गाइस। एंड आपको करना है APT अपडेट, APT अपडेट कीजिए, अच्छा खासा स्पीड है VPS का, ठीक है ना। एंड मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को फुल मेथड कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो मैं जो जो मेथड करता हूँ वो करते जाएगा इस, ठीक है ना। एंड थोड़ा टाइम लगेगा इधर, वही चलो। चलो ये हमारा हो चुका है, रीडिंग पैकेज लिस्ट बोलेगा, चलो ये हो गया है, ठीक है ना। एंड आपको टाइप करना है APT लिस्ट डेटेस अप ग्रे टेबल, ये लिस्ट करेंगे। ओ माय गॉड, ये ऐसा कुछ मैंने गलत टाइप, एंड APT अप एंड GRAD अपग्रेड, APT अपग्रेड करोगे तो आपका APT अपग्रेड हो गया। वाइक लीजिए एंड आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। वाई पे क्लिक करोगे तो चलो, थोड़ा टाइम तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। आपका इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा वो, तो आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, ठीक है ना। इंटरनेट स्पीड, VPS स्पीड बहुत मिल के करेंगे, ठीक है ना, बस आपका घर का स्पीड ही नहीं, ठीक है ना। एंड ऐसा कुछ अभी थोड़ा टाइम लगता है, चलो गाइस। एंड वीडियो को फुल वॉच करो गाइस, ठीक है ना, स्किप मत करना। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको पता है यार, डिस्कॉर्ड है हमारा, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना गाइस, ठीक है ना। तो जैसे ये होता है आप सब लोगों को मैं मिलता हूँ गाइस, ठीक है ना। सो या गाइस, ये हो गया, ठीक है ना। मेरा बहुत टाइम लिया, लाइकली 2 से 3 मिनट लगा, ठीक है ना। एंड इतना हो जाने के बाद आपको करना है APT इंस्टॉल
न्यू फेज। चलो ये इतना करो ठीक है ना, और ये आपका थोड़ा टाइम लेकर के वाई पे क्लिक करके टिक मार कीजिए ठीक है ना। एंड आपका ये तो थोड़े सेकंड पे लेगा ठीक है ना, 30 10 15 सेकंड ठीक है ना। एंड आपका ये हो जाने देते हैं, चलो आई थिंक हो गए, हाँ हो गए। उसके बाद आप टाइप करो न्यू फेज, हियर इज आवर न्यू फेज गाइज। एंड दिखा दिया मैंने आपको, देखो 16 GB रैम का है ये हमारा VPS। एंड देखो नोड वगैरह, टर्मिनल नोड, उबंटू का वर्जन देख लो, अप टाइम 11 मिनट से ऑनलाइन है, मैंने बस स्टार्ट ही किया है ना। एंड सारा कुछ देख सकते हो, थीम वगैरह, सेल वगैरह, सारा कुछ, CP वगैरह ठीक है ना। तो या गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो तो माफ़ कीजिएगा गाइज ठीक है ना। तो आज के वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही करते हैं गाइज, चलो मिलते हैं आप सभी लोगों को गाइज नेक्स्ट वीडियो में।